ये नहीं हैगा भी जड़ा खाना ही उठ के भौंकण लग जाए। जिहड़ा कोई एवें भौंकदा हैगा वो आपदा आपदे बाहां दा लत्तां दा आप जिम्मेदार होगा। कल नूं कोई साडा किसी भी सिख का कोई खोट ना कढ़े। करने दला बारे बुढ़े दल बारे गुरु के पंथ खालसे बारे जो भी कोई भी भौंकदा वो आपदी जीव नूं लगाम देवे। जे कोई नहीं माफी मंगता एवें भौंक के फिर उहदी जीव असीं कट्टण वी जाणदे आ। पंथ बारे बोल रहे ने ना उन्होंने पहला तो पंथ बारे सीखना चाहिए गा, पुराने सिखा तो वेद ग्रंथों तो पढ़ना चाहिए, उन्होंने नॉलेज लेनी चाहिए आ। ये नहीं हैगा भी जना खाना ही उठ के भौंकण लग जाए। जिहड़ा कोई एवें भौंकदा गा वो आपदा आपदे बाहां दा लत्तां दा आप जिम्मेदार होगा। कल नूं कोई साडा किसी भी सिख का कोई खोट ना कढ़े। करने दला बारे बुढ़े दल बारे गुरु के पंथ खालसे बारे जो भी कोई भी भौंकदा वो आपदी जीव नूं लगाम देवे ते अगे वास्ते गुरु पंथ खालसे तो माफ़ी मंगे। जे कोई नहीं माफ़ी मंगता एवें भौंक के फिर उहदी जीव असीं कट्टण वी जाणदे आ। वाहिगुरु जी का खालसा। ये नहीं हैगा भी जना खाना ही उठ के भौंकण लग जाए। जिहड़ा कोई एवें भौंकदा गा वो आपदा आपदे बाहां दा लत्तां दा आप जिम्मेदार होगा। कल नूं कोई साडा किसी भी सिख का कोई खोट ना कढ़े। करने दला बारे बुढ़े दल बारे गुरु के पंथ खालसे बारे जो भी कोई भी भौंकदा वो आपदी जीव नूं लगाम देवे। जे कोई नहीं माफ़ी मंगता एवें भौंक के फिर उहदी जीव असीं कट्टण वी जाणदे आ। जो भी पंथ बारे बोल रहे ने ना उन्होंने पहला तो पंथ बारे सीखना चाहिए गा, पुराने सिखा तो वेद ग्रंथों तो पढ़ना चाहिए, उन्होंने नॉलेज लेनी चाहिए आ। ये नहीं हैगा भी जना खाना ही उठ के भौंकण लग जाए। जिहड़ा कोई एवें भौंकदा गा वो आपदा आपदे बाहां दा लत्तां दा आप जिम्मेदार होगा। कल नूं कोई साडा किसी भी सिख का कोई खोट ना कढ़े। करने दला बारे बुढ़े दल बारे गुरु के पंथ खालसे बारे जो भी कोई भी भौंकदा वो आपदी जीव नूं लगाम देवे ते अगे वास्ते गुरु पंथ खालसे तो माफ़ी मंगे। जे कोई नहीं माफ़ी मंगता एवें भौंक के फिर उहदी जीव असीं कट्टण वी जाणदे आ। वाहिगुरु जी का खालसा। ये नहीं हैगा भी जना खाना ही उठ के भौंकण लग जाए। जिहड़ा कोई एवें भौंकदा गा वो आपदा आपदे बाहां दा लत्तां दा आप जिम्मेदार होगा। कल नूं कोई साडा किसी भी सिख का कोई खोट ना कढ़े। करने दला बारे बुढ़े दल बारे गुरु के पंथ खालसे बारे जो भी कोई भी भौंकदा वो आपदी जीव नूं लगाम देवे। जे कोई नहीं माफ़ी मंगता एवें भौंक के फिर उहदी जीव असीं कट्टण वी जाणदे आ। पंथ बारे बोल रहे ने ना उन्होंने पहला तो पंथ बारे सीखना चाहिए गा, पुराने सिखा तो वेद ग्रंथों तो पढ़ना चाहिए, उन्होंने नॉलेज लेनी चाहिए आ। ये नहीं हैगा भी जना खाना ही उठ के भौंकण लग जाए। जिहड़ा कोई एवें भौंकदा गा वो आपदा आपदे बाहां दा लत्तां दा आप जिम्मेदार होगा। कल नूं कोई साडा किसी भी सिख का कोई खोट ना कढ़े। करने दला बारे बुढ़े दल बारे गुरु के पंथ खालसे बारे जो भी कोई भी भौंकदा वो आपदी जीव नूं लगाम देवे ते अगे वास्ते गुरु पंथ खालसे तो माफ़ी मंगे। जे कोई नहीं माफ़ी मंगता एवें भौंक के फिर उहदी जीव असीं कट्टण वी जाणदे आ। वाहिगुरु जी का खालसा।